जो आप लंबी सी टावर देख रहे हैं ना, इसी लंबी सी टावर में ना भोजपुरी की फेमस अदाकारा पाकी हेगड़े रहती है। और ये बिल्डिंग मुंबई की लोखंड वाला साइड में स्थित है और इसका कॉस्ट ना करोड़ों में है और ये बहुत ही हाई फाई एंड पॉश एरिया है गाइस। वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस बारे से ब्लॉग में। तो मैं अभी स्थित हूँ ये लोखंड वाला साइड में और ये लोखंड वाला मुंबई में बहुत ही फेमस एरिया कहा जाता है गाइस। इस एरिया में आपको तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर और खिलाड़ी और भोजपुरी के भी एक्टर एक्ट्रेस आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। उसी में से एक मैं आज पाकी हेगड़े का घर दिखाने वाला हूँ मुंबई में कहाँ पे वो रहती है। पाकी हेगड़े जो निरहुआ के साथ काफ़ी फेमस एक एक्ट्रेस है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और जो भी उसका फेमस जो भी आज पहचान मिली है ना वो निरहुआ के साथ ही मिली है पहचान, तो उसी का आज हाउस टूर देने वाला हूँ। तो मुंबई में वो कहाँ पे रहती है, अगर आप आना चाहें मुंबई में रहते तो आप उससे कैसे मिल सकते, उसका हाउस का क्या नाम है, उस हाउस में मतलब बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे रहती है, उस फ्लैट का क्या कीमत है, उस बिल्डिंग का क्या नाम है, उस एरिया का क्या नाम है, मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग इस ब्लॉग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं पाकी हेगड़े का घर मुंबई में कहाँ लोकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं बीरा देसाई मार्ग, ये बस स्टॉप है। इसी बस स्टॉप के ठीक अपोजिट साइड में, बस स्टॉप के जस्ट बाजू में एक मैरिज हॉल भी है। इस के अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है सोरेंटो है। देख रहे हैं सोरेंटो के 20 मंजिल पे पाकी हेगड़े का एक फ्लैट है जो कि 4 करोड़ रुपया बताया जाता है। बहुत ही हाई फाई एंड पॉश एरिया में बिल्डिंग है जिसका नाम है सोरेंटो। आप देख सकते हैं ये जो आप देख रही है कंट्री क्लब है, कंट्री क्लब को ठीक अपोजिट में ये घर स्थित है गज। ये बहुत ही हाई फाई एंड पॉश एरिया गज। आप देख सकते हो ये लोखंड वाला एरिया है, अब वो मेट्रो ब्रिज है और ये वीरा देसाई मार्ग का बस स्टॉप है। बस स्टॉप पे आप आएंगे तो इसके जस्ट अपोजिट में आपको ये घर देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है सोरेंटो और ये बहुत ही हाई फाई एंड पॉश एरिया गाइस। इसके आजू बाजू में ना भोजपुरी हो या क्रिकेटर हो या बॉलीवुड स्टार का भी घर बहुत सारा देखने को मिलेगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं पाकी हेगड़े के अंदर मतलब बिल्डिंग अंदर फ्लैट के अंदर में किस तरह से इंटीरियर डिजाइन किया गया, उसके अंदर का क्या दृश्य है ना, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं फ्लैट के अंदर और बाहर का नजारा और पाकी हेगड़े से जुड़ी बहुत सारी बातें पे मैं आगे बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। पाकी हेगड़े के जन्म 5 मार्च 1950 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत बतौर टीवी एक्ट्रेस के तौर पर की थी। वो दूरदर्शन टीवी पर चलाए जाने वाली धारावाहिक में बनूंगी मिस इंडिया से अपनी करियर की शुरुआत की थी। पाकी हेगड़े का सबसे हिट जोड़ी दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ के साथ बनी जिसे लोग खूब प्यार दिया। पाकी भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ के साथ मुख्य किरदार के रूप में फिल्म कर चुके हैं गाइस और उसकी जोड़ी को लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की जाती है। पाकी ने महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर चुके, उन्होंने भोजपुरी फिल्म गंगा देवी बिग बी के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के बहू के भूमिका में काम किए। देख सकते गाइज आसपास का क्या वातावरण है, ये रोड जो है कितना साफ सुथरा नज़र आ रहा है और रोड के दोनों बगल हरियाली ही हरियाली है और इस एरिया में बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा गज। और ये बिल्डिंग है सोरेंटो, सोरेंटो का आप देख सकते बिल्डिंग के हर एक फ्लोर पे ना कांच लगाया गया और काफ़ी देखने में ना प्रीमियम है। और इतनी बड़ी टावर ना इस एरिया में इसके आजू बाजू में आपको नज़र नहीं आएगा, इस के आजू बाजू में एक यही जो टावर है जो इतना बड़ा टावर इस बीच में आपको दिखाई दे रही है। इसी में भोजपुरी के फेमस एक्ट्रेस यानी पाकी हेगड़े रहती है और इस बिल्डिंग का नाम है सोरेंटो। आप देख सकते हैं इसके मेन गेट पर ही लिखा है सोरेंटो और इसी सोरेंटो के मेन गेट से ना पाकी हेगड़े अपने बिल्डिंग में यानी अपने फ्लैट में जाती है। पाकी हेगड़े भोजपुरी के अलावा मराठी फिल्म भी कर चुकी है। मराठी फिल्म में सतना गत में मुख्य किरदार के रूप में काम कर चुकी है गाइस। पाकी हेगड़े की शादी हो चुकी है परंतु उसके पति के साथ उसका तलाक हो चुका है। पाकी हेगड़े के 2 बच्चे हैं और वर्तमान में अपने दोनों बच्चों के साथ ना मुंबई के इसी बिल्डिंग यानी सोरेंटो के 20वें मंजिल पे हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही है गाइस। पाकी हेगड़े ने भोजपुरी फिल्म के अलावा मराठी फिल्म भी कर चुकी है। दिनेश लाल यादव, निरहुआ, मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव के साथ ना भोजपुरी इंडस्ट्री को काफ़ी हिट फिल्म में ना दे चुकी है। पाकी अब एक नई पारी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही है, वो निर्माता यानी फाइनेंस क्षेत्र में अपना कदम रख चुकी है। पाकी हेगड़े का मानना है कि उसके फिल्म निर्माता और फाइनेंस करने से भोजपुरी फिल्म
के निर्माण को और ज्यादा मजबूती मिलेगी गाइस। गाइस ये जो सोरेंटो है ना, सोरेंटो में अपाकी हेगरे रहती 20वें मंजिल पे, उसका कोस्ट सुन के ना आप भी हैरान रह जाएंगे गाइस। हाँ जी, एक भोजपुरी की एक्ट्रेस वो 4 करोड़ की फ्लैट में रह रही है गाइस, मुंबई के लोखंड वाला साइड में, ये सोरेंटो बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग में ना पवन सिंह भी रहते हैं जो कि 5वें महल्ले पर रहते हैं, और अपाकी हेगरे 20वें मंजिल पर रहते हैं, और उसका घर का कोस्ट ना 4 करोड़ रुपया है गाइस। बहुत बड़ा अमाउंट है गाइस। और ये एक बिहार की लड़की है और बिहार में ज़्यादातर अपना टाइम एक्सपेंड नहीं करती, ज़्यादातर मुंबई में इसी बिल्डिंग में वो रहती है अपने बच्चे लोग के साथ गाइस। और ये बहुत ही हाई फाई एंड पॉश रही है गाइस। पाकी फिल्म निर्माता के साथ साथ रियल एस्टेट में भी अपना काम शुरू कर रही है, वो भोजपुरी के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी निर्माण में अपना भागीदारी निभाने की बात कही है गाइस। पाकी हेगड़े का कहना है कि उन्होंने कई भाषाओं में फिल्में की, परंतु उन सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें भोजपुरी से प्राप्त हुई, इसलिए वो चाहता है कि भोजपुरी में एक बड़ी बजट का फिल्म बने, इसलिए वो भोजपुरी सिनेमा को फाइनेंस करना चाहती है। बाकी अगर अब फिल्म बहुत ही ज़्यादा कम करते, अपने बच्चे लोग के साथ टाइम एक्सपेंड करते, और एक ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गई भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो इसको बड़ा फिल्म का इंतज़ार रहता, छोटा मोटा फिल्म अभी नहीं करती। पहले जब शुरुआत था या बीच में ये कोई भी मूवी साइन करके अपना खर्चा चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो काम करती थी, बट वो अब प्रसिद्धि के लिए काम करना चाहती, बहुत अच्छा बजट, बहुत अच्छा उसमें बात होना चाहिए, तो वो फिल्म वो साइन करना चाहती। हर वो मूवी अब साइन वो नहीं करना चाहती, बहुत ही सोच समझ के ना वो मूवी अब साइन करती, इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही कम नजर आती, भले वो अपने बच्चे लोग के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करती इसी बिल्डिंग में। तो यही था आज का ब्लॉग। ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी और सेलिब्रिटी का ना हाउस टूर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते, तो मैं उसका हाउस टूर आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।